जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर। माता रानी जरूर आपके लिए कल्याण करेंगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2023 का लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है, तो इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो भारत में दिखाई देने का सही समय क्या होगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसके साथ ही हम बात करेंगे सूतक काल के बारे में। क्या ये चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहे हैं, इसका सूतक काल मान्य होगा कि नहीं होगा, सूतक के नियम भारतवासियों को मान्य होंगे कि नहीं, ग्रहण काल में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण एवं 2 चंद्र ग्रहण होंगे। 5 मई 2023 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 5 मई 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। बात करें समय की तो ये चंद्र ग्रहण जो 5 मई 2023 को लगेगा, ये 5 मई की रात 8:45 पर शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति रात 1 बजे होगी। ये उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिका व हिंद महासागर के साथ अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। बात करें सूतक काल की तो सूतक काल का जो शुभ समय होता है, जो कि चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और चंद्र ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। सूतक काल अशुभ समय है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है और सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाता है, मूर्तियों का स्पर्श वर्जित हो जाता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता। लेकिन आपको बता दे कि जब भी ग्रहण जैसी कोई घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव मानव जीवन एवं प्रकृति पर देखने को मिलता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना, सोना, शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अन्यथा होने वाले शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वह चंद्रमा की रोशनी में ना जाए, अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता मिलाकर रख ले, इससे आपका खाने और पीने की जो चीजें हैं वह दूषित नहीं होगी। ग्रहण समाप्ति पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, गंगा जल डालकर स्नान करें, किसी गरीब व जरूरतमंद को अन्य वस्तुओं का दान जरूर करें। तो ये थे साल 2023 के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़े संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।